सिद्धार्थ एंड आशी, आप दोनों का पहले तो स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जो आपने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है यासदीन और सिदाशी को, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जिस तरीके से वो हर एक सीन को एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बस बहुत हम अच्छी चाहते थे कि बात उनके चेहरे पे खुशी आए, वो स्माइल करें। और है। उनकी बहुत टाइम से ये डिमांड थी कि हम जल्दी से मैं और आशी, हम दोनों को म्यूजिक वीडियो साथ में करें। तो आई थिंक ये हमारा फिर कर्तव्य है कि हम उनके उनकी खुशी के लिए ये चीज करें और उनके चेहरे पे स्माइल लाएं, बिकॉज वो हम हमारे चेहरे पे बहुत स्माइल लाते हैं। अग्री, कुरण आशी अग्री में। आशी कुछ हाँ, ऐड करना चाहोगे? लोगों को काफी अच्छा लग रहा है गाना। एंड ऑफकोर्स लोगों को देखना था अलादीन के बाद यासीन को साथ में, सो हियर वी कम विद द सॉन्ग। और हमें बहुत खुशी है कि ये गाना कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर एक स्माइल ला पाया, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा परेशान दुखी हो चुकी थी लाइफ में। फिर जब करीब के वीडियोस आए और हमने वो प्रमोट करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं मैं इस पर ज्यादा ध्यान देकर मेरी लाइफ में आई गॉट हैप्पी एंड एक्साइटेड अगेन। और वो सेम इफेक्ट मुझे अपने फैंस पर भी दिखा, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि वो हमें इतना खुश करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, एंड आई एम हैप्पी कि हमारी वजह से वो थोड़े खुश होते हैं। जी, और आप दोनों की जोड़ी में विशाल ददलानी की आवाज, ये फैंस इस बात को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि विशाल ददलानी और आप दोनों को, मतलब आप तीनों को कोलैबोरेट करते हुए देखना, इट्स लाइक अ ड्रीम। तो ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई थिंक आई एम सो हैप्पी एंड ऑनर्ड, बिकॉज विशाल सर जो कि ऑलरेडी इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, और मतलब सब कुछ हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उनकी आवाज़ मिली है इस गाने को और उनके साथ उनके गाने पे हम एक्ट कर रहे हैं। और तो ये वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वी बोथ आर वेरी हैप्पी, हमारा पहला म्यूजिक बिल्कुल वीडियो भी इतने अच्छे लोगों के साथ, इतने बड़े लोगों के साथ। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, एंड पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर आशी इज ऑल्सो। ऑफकोर्स आई एम, वी आर ऑनर्ड, क्योंकि विशाल सर की आवाज है। और मुझे नहीं पता था काफी टाइम तक कि विशाल सर की आवाज है, और जब पता चला तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। लोग भी काफी खुश हैं इस बात से। और There was no reason anyways to say no for the video, लेकिन फिर काफी सारे अच्छे नाम गाने के साथ जुड़ते गए। और पूरा जो आप पूरा वीडियो देखोगे तो वो बहुत अच्छा निकल कर आया है। द वॉइस इज अमेजिंग, सॉन्ग इज अमेजिंग, वो शूट बहुत अच्छे से हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों ने हम दोनों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया ऑन स्क्रीन। और तो या वी आर अगर ऑनर्ड एंड लकी दैट वी गॉट इट। बात की जाए अभी गाने की, तो गाना 1 मिलियन के पार हो चुका है और ट्रेंडिंग ट्रेंड कर लिस्ट रहा में भी अपनी जगह बना ली। है, चौथे नंबर पे बना लिए, जल्दी नंबर 1 पे अभी आ ये जाए। वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स इकट्ठा किए हैं, जो अच्छे मैं अच्छे इतने कमेंट्स कॉन्फिडेंटली हैं। इसलिए और इस कह पा रहा पर हूँ बिकॉज मुझे पता है हमारे फैंस है ना, वो हमें ये कॉन्फिडेंस देते हैं। ट्रू सही ट्रू, बात है, क्योंकि मैं जिस कमेंट्स जब मैं पढ़ रही थी आप लोगों का रिएक्शन लेने के लिए, तो बहुत सारे कमेंट्स, ये तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि बीटीएस, क्योंकि फैंस जब म्यूजिक वीडियो आता है तो उनके एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा बीटीएस को लेकर रहती है कि बीटीएस किस तरीके का होगा, क्या कुछ मजाक मस्ती हुआ। तो बीटीएस कब रिलीज करने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। बस गाना रिलीज हो गया है, बीटीएस भी रिलीज कर देंगे बहुत जल्द। बहुत जल्द, शायद एक हफ्ते में, लेट्स सी। एक हफ्ता? बाप रे, फैंस के लिए एक एक हफ्ते दिन? में, मतलब एक हफ्ते के अंदर। अच्छा, क्या कुछ बिहाइंड द सीन्स अगर मैं बात करूं, क्या कुछ मस्ती मजाक हुई होगा? क्योंकि डेफिनेटली सिद्धार्थ को जितनी बार मैंने देखा है, वो उनकी जो वाइब है वो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, अपने साथ आसपास लोगों के साथ थोड़ा मस्ती करना, क्या था? आज ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, और नो काफी डाउट, लंबी। हमें बहुत मजा आया शूट करते हुए, क्योंकि ये पूरा गाना मैंने पहले भी मेंशन किया था, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। वो शूटिंग एक प्रेशर होता है कि खत्म करना है, शुरू करना है, कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, कैसा होना चाहिए, वो एक प्रेशर होता है। तो ये गाना शूट करते हुए कहीं भी उतना प्रेशर फील नहीं हुआ, और वो बहुत ईज के साथ हुआ, क्योंकि हम पूरा गाना
हंसी मजाक में मस्ती मस्ती में शूट कर रहे थे, कितनी बार तो ऐसा भी हुआ था मुझे पता ही नहीं था कि टेक चल रहा है और हम लोग ऐसे हंस रहे हैं बातें कर रहे हैं और वो शॉर्ट हो गया, बाद में राम जी ने बताया कि अच्छा मैं क्या ये सीन चल रहा था, वैसा भी हुआ है। तो हम पूरा टाइम कहीं ना कहीं मस्ती कर रहे थे, पीछे से जो राम जी बोल रहे थे हम वो कर रहे थे और उसके सिवा हम अपनी बातें कर रहे थे, हम कुछ भी इधर उधर की बातें कर रहे थे, कुछ नहीं तो पानी के बारे में बातें कर रहे हैं, लग रहा है पता नहीं कितनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है। सो वी हैड लॉट ऑफ फन बाय टू टाइम। तो गोल्डी आ चुके हैं, गोल्डी जी आपका स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू थैंक यू। म्यूजिक जैसे जैसे आपके पास्ट के हमने म्यूजिक सुने उससे भी बहुत अच्छा है, तो क्या कहना चाहेंगे, एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि क्योंकि जब मुझे पता चला विशाल सर गाने वाले तो बहुत एक्साइटेड हो गया था मैं, एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजर एंड सिंगर ऑफ आवर कंट्री, एंड मतलब उनके गाने सुन के हम बड़े हुए, स्कूल में उनके गाने सुनते थे, एंड सबसे अच्छी बात ये रही कि कुणाल लिख रहा था ये गाना जो कि इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उसकी जो राइटिंग है बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग, एंड वो बहुत ऐसे क्विक लिखते हैं, तो प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग था, मतलब कहीं हम टच स्टक नहीं हुए, कहीं इतना मतलब सोचना नहीं पड़ा, बहुत मस्ती मस्ती में गाना बन गया, बहुत नेचुरल प्रोसेस था। अच्छा, रिएक्शन कब था जब जब आपने ये कंपोजिशन कंप्लीट कर लिया, तो रिएक्शन क्या था विशाल मैम का? जब उन्होंने बोला इट साउंड्स गुड तो मैंने बोला अरे और क्या चाहिए, मतलब इतने बड़े कंपोजर खुद बोल रहे कि अच्छा लग रहा है गाना, तो बहुत खुशी हुई, बहुत मतलब और सीखने का और काम करने की मतलब इच्छा जागी, मतलब ऐसा हुआ कि अभी और सीखना है और अच्छा करना है, तो एक बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और उस पर देखा जाए तो सिद्धार्थ और आशी दोनों जब साथ में आए तो वो कैसा था मोमेंट, क्योंकि इन दोनों की जो पॉपुलैरिटी है बहुत अमेजिंग है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इनके तो फैन इतने सारे हैं, मैं क्या बोलूं, मतलब लोग मतलब इतने खुश हैं कि इनको देख के वीडियो में साथ में टैग कर रहे हैं, बता रहे हैं, और बहुत मतलब बहुत प्राउड फीलिंग है कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ हम भी कोलैब कर रहे हैं, एंड वीडियो भी अभी 4th नंबर पे ट्रेंडिंग हो रहा है, तो बहुत प्यार करते हैं इनसे लोग, वो इंस्टाग्राम पे पता चल रहा है मुझे अभी कि कितना इनको टैग कर रहे करीब के, मुझे पहले पता नहीं था कि ये वीडियो में ये होंगे, बट मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला जब उन्होंने टैग करना स्टार्ट किया, मैंने बोला अरे वाह, प्री बस बहुत कमाल का था मतलब। आशी मैंने कमेंट में पढ़ा कि आपने फैंस से पूछा है कि वो बताए आपको कि बेस्ट सीन्स, उनके फेवरेट सीन्स कौन से हैं, तो मैं आपसे सिद्धार्थ से और गोल्डी से जानना चाहूंगी किस म्यूजिक वीडियोस के, म्यूजिक वीडियो के कौन से बेस्ट सीन आप सबके हैं? मेरा बेस्ट सीन है यॉट वाला और फरारी वाला, और लास्ट में जो हमारा प्रपोजल वाला था, वो तीन सीन सारे सीन्स बोल दिए तुमने। मेरा फेवरेट फरारी ही वाला है, मुझे वो काफी अच्छा लगा, फेवरेट, बाकी तो सारे सीन्स अच्छे हैं। गोल्डी जी मुझे वो यॉट वाला, एंड वो जब वो बैक फ्लिप करके रोज देता है, ये बहुत अच्छा तरीका था, आई थिंक अभी प्रपोज करने के लिए सब सीखना पड़ेगा लड़कों को। हाँ, exactly, जब से ये एक लेवल सेट कर दिया ऊपर अभी। हाँ, बेचारे लड़के वही, और लड़कियां भी कहीं ना कहीं उनके पे प्रेशर है कि उसी तरीके से उसी अंदाज से वो भी जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट, और ये भी हर रोज से लिखने वाला, मतलब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बहुत सही था, मतलब की यही सीन बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ना बोल के चली जाएगी, बट वो जब यस, मैं बोला अरे वाह, क्रिएटिविटी अलग लेवल पे। इस वीडियो में क्रिएटिविटी की कम थोड़ी सी भी कमी नहीं है हर चीज में, और स्पेशली सिद्धार्थ के डांस मूव्स देख के तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा था कि मैं ऋतिक रोशन को यू नो फील करे उस तरीके से उनके डांस मुझे। जब मैं देख रही थी जिस तरीके से आपके डांस मूव्स है, मुझे वो वाला बैंग बैंग जो गाना है, वो वाले सीन्स, वो मूव्स याद आ गए ऋतिक रोशन के। ओके, चलिए मुझे बताइए जाते जाते क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है सिद्धार्थ, आशी और गोली जी, आपकी तरफ से बता दीजिए क्या कुछ आने वाला है नेक्स्ट। सिद्धार्थ बोलो। अभी तो अपकमिंग प्रोजेक्ट का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली
मेरा शो जो अभी आप देख रहे होंगे हीरो वेब मोड ऑन, उसमें आप एज अ शिवाय देख रहे हैं मुझे। सो अभी मैं वही शूट कर रहा हूँ, और ऐसा कोई अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बट या देर आर मेनी थिंग्स जो कि पाइपलाइन में, व्हेन दीज थिंग्स विल यू नो गेट सॉर्टेड और चीजें कंट्रोल में होंगी, देन वी विल थिंक ऑफ मेक। मैंने आशा रिसेंटली एक सॉन्ग शूट किया है चंडीगढ़ में थोड़े दिन पहले, तो वो भी जल्दी आने वाला है। आई डोंट नो द रिलीज डेट येट, बट उसके बारे में मैं जल्दी अनाउंसमेंट करूंगी। फिलहाल तो उतना ही है, बाकी आई एम वेटिंग फॉर द राइट थिंग टू कम। गोली जी, ऐसा तो अभी कोई प्लान नहीं है, बट ट्राई कर रहे हैं कि जितना म्यूजिक लोगों तक पहुंचा सके, हैप्पीनेस क्रिएट कर सके, बस यही एक इच्छा है। जैसे हम प्लान करेंगे डेफिनेटली बताएंगे। ये सबसे अच्छा काम ना आप ही कर रहे हो। मतलब मेरा सुबह के 2 से 3 घंटे सिर्फ गाने सुनते सुनते जाते हैं, तो थैंक्स टू ऑल द म्यूजिशियंस जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे गाने बनाए हुए हैं, इतना प्यारा म्यूजिक दिया हुआ है कि इतने अच्छे से ये दिन कट रहे हैं सिर्फ गाने सुन बट सुन के। नो थैंक डाउट यू। म्यूजिक इज इमोशन, यू नो म्यूजिक ना इट फील इज, है इट्स सो डेफिनेटली। आप सैड हीलिंग। होते हो तो आप गाना चलाते हो सो दैट यू कैन फील यू नो हैप्पी हैप्पी। आप सैड व्हेन यू आर मूड से हैप्पी, तो आप व्हेन यू आर सैड सैड, गाने चलाते हैं, तो आई थिंक म्यूजिक इज द इमोशन। इट इज, इट्स इट्स वेरी एवरीवेयर। हीलिंग, वेरी हीलिंग। सीरियसली बिग हाँ, थैंक्स टू ऐसा ऑल तो द है, विदाउट म्यूजिक। म्यूजिक लाइफ इज यू नो म्यूट। ट्रू ट्रू ट्रू। तो चलिए, जाते जाते यासदीन और सदाशी के जो फैंस हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा वीडियो कॉल में पता नहीं चलता हूँ टू स्टार्ट विद। तो जितने भी यासदीन जो फैंस हैं जो चाहते थे कि यासदीन जल्दी से यू नो दिखे, तो ये लीजिए, आप लोगों के लिए ये करीब वीडियो है कि आप सब यासदीन की जोड़ी को दोबारा देख पाएं सिड आशी के रूप में, और अच्छे अच्छे यू नो कलरफुल कपड़े पहनते हुए कारपेट पे ना चल के फरारी के ऊपर चल, फरारी में बैठ के, और हाँ वो सारी चीजें यू नो जो रियल लाइफ में होती हैं, यॉट फरारी में बैठे हैं और फ्लावर्स दे रहे हैं, ये सारी चीजें। तो आपने यासदीन की जो जोड़ी है वो सिदाशी के रूप में देखी, एंड वी होप कि आपको पसंद आई हो, और बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद हमें डेफिनेटली चाहिए। True. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेफ रहिए, घर पर रहिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। हम जानते हैं हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर गाइस ट्रस्ट मी, आप भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो। आपकी लाइफ भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो आप प्लीज अपना ध्यान रखिए बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आशी एंड गोल्डी हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर थैंक अपकमिंग यू थैंक प्रोजेक्ट्स, यू कीप रॉकिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू, बाय स्टे सेफ, बाय। बाय बाय, थैंक यू।